हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैड मास्टर। तो आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे स्केच के लिए। तो उसमें मैंने आपको स्केच क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन, स्केच कंस्ट्रेंट, रिलेशन डायमेंशन, ये चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा जिसकी कैड मॉडल्स में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम स्केच, मान लीजिए हमको वाई वाई एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं, बट हमको उसको जो बाद में पता चलता है कि नहीं, हमको इस पे नहीं, हमें दूसरे प्लेन में बनाना है। अब आप बोलेंगे भाई इस पे बन गया कोई दिक्कत, इसको डिलीट करके दूसरे इसको बना देंगे फिर से, मगर उसमें हमारा टाइम बहुत होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमको ऐसी कैड मेथड या ऐसा एनएक्स स्केचिंग सीखना है कि जिसमें हमारा टाइमिंग लेस रहे, टाइम टाइम कम लगे। ये हमारी आजकल की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। लेस टाइम में हम कैसे अच्छे से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हमारे टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम हम वही स्केच करेंगे। प्लेन सेलेक्ट कर लिया हमने, प्लेन ले लिया, ओपन इन स्केच एनवायरमेंट आ गए यहाँ पे। आने के बाद अभी अभी देखिए मैंने कौन सा प्लेन ले लिया है, एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है। ओके ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देता हूँ कि मैंने कोई रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सर्किल्स है, शेप मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। ओके फिनिश कर देता हूँ स्केच को मैं। ठीक है, ये मेरा बन गया। अभी मेरा ये इस प्लेन पे बनाया, मतलब मेरे को प्लेन किसी दूसरे प्लेन पे चाहिए ये स्केच, तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, स्केच अभी इसको एडिट करना है तो कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, स्केच एक्टिव हो गया है। ठीक है, इस प्लेन पे इसको रेड करें। अभी देखिए आपको इस प्लेन पे दिख रहा है ये, अभी इसमें एक ऑप्शन होता है रीअटैच। रीअटैच ये ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अटैच द स्केच टू अ डिफरेंट प्लेन फेस डाटम और पाथ और चेंज द स्केच ओरिएंटेशन। स्केच का ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अटैच लिया। सबसे पहले पूछ रहा है, ये मेरे को पूछ रहा है कि ऑन प्लेन किस प्लेन पे आप इसको ये करना चाहते हो। सब तो सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन ले लिया, ओके कर दूँ इसको। देखो अभी मेरा कौन से प्लेन पे है, दूसरे प्लेन पे आ गया। ठीक है ना, अभी मैं इस प्लेन से इस प्लेन में चाहता हूँ इसको रीअटैच करना। फिर से वही चीज़, सारे मेरे प्लेन सिलेक्टेड है, मेरे को सिर्फ क्या करना है इसका प्लेन मेथड चेंज चेंज करना है। देखिए प्लेन मेथड सिलेक्ट कर लिया मैंने, बराबर ओके कर दूँ इसको। द हॉरिजॉन्टल फ्रंट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द स्केच प्लेन। अच्छा, नॉर्मल टू स्केच प्लेन, इसलिए नहीं ले रहा है। ठीक है, ले लिया। फिर से इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। डाटम प्लेन ले लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ये दिखा रहा है अपने को स्केच रेफरेंस, इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं। अब ले लेगा ये बराबर। अच्छा, नॉर्मली इसलिए नहीं ले ले, ले, ले पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, फिर से कर दें इसको। ओपन किया हमने, रीअटैच ऑप्शन लिया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करो, यदि हमको सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द स्केच प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केच के नॉर्मल के पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे नहीं ले पा रहा है ये। एसोसिएट टू ओरिजिन हटा दो इसको। बस इसमें एक ही दिक्कत है, हम यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट से बना हुआ है ना, इसलिए नहीं ले पा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक कैड मॉडल के थ्रू बना के दिखाता हूँ। मैं सिर्फ कर्व को डिलीट करना चाहता हूँ, इसमें कर्व को लिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक, कर्व डिलीट हो गए मेरे। ऐसे ऐसे मैं सिलेक्शन फिल्टर में मैंने सेट कर लिया, जिससे कि हमारा कोई भी स्केच ड्रॉ करने से कोई देर। अभी यहाँ से देखिए मैं एक्सट्रूड ले रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मैंने स्केच ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। एक्सट्रूड हो रहा है अभी।
ठीक है, ये मेरा स्केच बन गया, ये एक्सक्रूड बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ इस पर स्केच करता हूँ। मैंने फेस सिलेक्ट कर लिया, ओके, ओरियंट करना है ओरियंट कर दूंगा इसको। अब मैं यहाँ पे कोई स्केच करता हूँ, सिंपल सा कोई भी स्केच कर सकते हैं। मैं 2 पॉइंट मेथड से ले रहा हूँ, ठीक है ले लिया। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अरे यार मुझे इस पे नहीं चाहिए था, मुझे इस पे चाहिए था, ये चीज़ होता है ना ऐसा कभी कभार। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, रीअटैच किया मैंने ऑन प्लेन, इसको प्लेन सिलेक्ट किया था मैं पहले, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा है रेफरेंस, दर्शन में यहाँ पे वर्टिकल ले लेता हूँ, अभी आ जाएगा यहाँ पे। The vertical direction normal to the sketch plane. अच्छा normal to sketch plane दे रहा है ये, देखिए यहाँ पे आ गया ये, ओके। और इसको जहाँ पे अपने को ये करना है, शेप एंड साइज में अपने को एडिट करना है, यहाँ पे यहाँ से हम कर सकते हैं, ओके। फिनिश से स्केच किया, ये यहाँ पे आ गया। फिर से हम इसको एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे रीअटैच में, फिर से वही सेम प्रोसेस, डाटा हमको लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट कर रहा है, मैं इसको वर्टिकल करता हूँ और फ्लिप कर देता हूँ। द वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्केच प्लेन, यहाँ पे शायद ये नहीं लेगा। स्केच ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रिवर्स डायरेक्शन, ये देखिए शायद आपको क्लियर नहीं हो पाएगा मैंने क्या किया था, ठीक है। फिर से मैं रीअटैच में जाता हूँ, स्केच रीअटैच में। अभी देखिए, अभी उस टाइम हम ले रहे थे तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का दिक्कत आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द स्केच प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केच प्लेन है ना ये जो हमारा, इसके नॉर्मल पे था, मतलब दोनों एक ही फेस पे आ रहे थे, तो हमको वहाँ से क्या करना पड़ रहा है, इसका प्लेन चेंज करना पड़ रहा है, इसको प्लेन ही चेंज कर दे रहे हैं। मैंने प्लेन ये ले लिया, तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया। अभी अब हम क्या चाहिए स्केच को, अब बोलेंगे ये तो यहाँ पे आ गया सर, हम इसको कैसे बनाएं, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम देखिए, एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल टी, एक शॉर्टकट कीजिए इसको, इसको बोलते हैं मूव कर्व। ये देखिए इंसर्ट में जाएंगे आप, एडिट में मूव ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी करके लगाए, कंट्रोल टी लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से लीजिए सिर्फ कर्व सेलेक्ट कीजिए, कर्व सेलेक्ट किया, कर्व सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ चाहे इसको मूव कर सकते हैं, कोई भी स्केच कैसा भी हो, यदि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो। फिनिश कर दीजिए, यह आ गया आपको प्लेन, बराबर। कुछ इस तरह से ये रीअटैच स्केच काम करता है। तो होप यू अंडरस्टैंड एंड इंजॉय इट। तो इससे क्या, आप फिर बाद में जैसा चाहे इसको एक्सट्रूड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं, अरे सॉरी, मैंने स्केच को ले लिया, मैं क्या ऑलरेडी कर्व है ना हमारे पास, तो इसीलिए मैं कर्व को लेना चाहता हूँ, मैं कर्व लूँगा। ये देखिए अभी देखिए, मैं अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर सेलेक्ट करूँगा ना तो तब जाके वो ये लेगा। इसको मैं शिफ्ट दबा के हटा दिया, अंदर ले रहा हूँ मैं, बराबर।
ये देखो हो गया ट्रिम। इस तरह से इसको हम ये कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मॉडलिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं इसमें मॉडलिंग में डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको रीअटैच का कंसेप्ट मेरे को बताना था, तो उसको आप ध्यान में रखिए, वो आपको बहुत यूज होने वाला है। ओके, सो गुड बाय।